रन की गोली देसी लोग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी जा रहे हैं दादा दे पे और बिल्कुल चौथवती ले ली है और वहीं पे चद्दर लेंगे, वहीं से प्रसाद चढ़ाएंगे क्योंकि मैंने बोला था कि मेरी पेमेंट आएगी तो हम दादा भी जाएंगे। अभी जा रहे हैं और साथ में लक्की भी जाएगा, बच्चे तो गए स्कूल में। बोलिया रेडी चल लगा जल्दी, अभी चल चलेंगे। सैंडल पहन ले, चप्पल पहनेगा सैंडल, सैंडल पहन ले। अभी लक्की गया ऊपर पापा को बुलाने के लिए। अरे अभी अनु जी अभी निकाल लेंगे बाइक, यहाँ नहीं बाहर हो गए, हेलमेट ले रहे हो क्या? इंदिरा कह रहा था वो खिड़की दिखा रहा अंकल, एक तो ये रहा देखो एक कमरा, एक ये रहा, हाँ एक देख भाई एक ये रहा कमरा, एक ये रहा था जो आप खिड़की बोल रहे थे देखो ये रहा। चलो 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 बैठो। इधर देख आगे नाला देख, चलो बैठ आगे, चल बैठ जा। अभी जा रहे हैं प्रसाद लेने के लिए और चादर लेने के लिए। ये देखो इधर लक्की भी है, आ जा बेटा आ पकड़ ले मम्मी का, चल हाय बोलो बेटा। चादर ले ली है, प्रसाद ले लिया, जितना हमने मतलब बोला था उतना प्रसाद ले लिया है क्योंकि बोलते हैं कि जो मंदिर या जहाँ भी आप प्रसाद चढ़ाते हो वो बताया नहीं जाता क्योंकि अपनी श्रद्धा होती है भाई कितना का प्रसाद लेना कितना का नहीं। और ये हमारा मंदिर है दादा माई वाला है और यहाँ पे ऐसे प्रसाद लिया है और मंगल के दिन यहाँ पे ज्योति बत्ती जलती है और वैसे तो कभी भी लगा सकते हो आप, अपनी मर्जी है, लेकिन मंगल के दिन आएंगे यहाँ पे यहाँ। और यहाँ भी बोला था कि मैं मेरी पेमेंट आने के बाद यहाँ पे आऊँगी और अभी जा रहे हैं हम दादा सैयद पे जा रहे हैं और चढ़ अभी यहाँ से प्रसाद ले लिया चल पड़े। और देखो और अक्षित लक्की आगे बैठा, अक्षित याद आ रहा है अक्षित स्कूल में है फिर भी उसी की याद आ रही है। जय करो बेटा दादा की। और अभी मैंने कैमरा इधर रख दिया है क्योंकि अभी ज्योति बत्ती करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है क्योंकि लाइट जलती होगी ना रात के टाइम तो मच्छर आपको पता है अब। और ये मैं पानी दे रही दादा को, मतलब पिलाना ही होता पानी, पिलाना या नहलाना ऐसे ही होता है क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं खंडाऊँगी क्योंकि यहाँ पे फिर ज़्यादा ही पैर रपट जाएंगे और फरस पे पानी फैल जाएगा। और ऐसे खिंडाना भी चाहिए, फिर हमने लास्ट में पौधों में दे दिया पानी जो घर से लेके आए थे। और ये अनु जी ने यहाँ पे हेलमेट रख दिया है और ये बोल रहे हैं उधर से मैं झाड़ू में बोल रही हूँ झाड़ू कहाँ है, झाड़ू मेरे को दिखाई नहीं दी थी, झाड़ू लेके आ रही हूँ क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा मच्छर है और पैरों में भी किल बिल किल बिल सी हो रही है क्योंकि आज कोई आया नहीं होगा सफाई करने के लिए वैसे, लेकिन जो वही ज्योतबत्ती करता वही सफाई कर देता, कोई भी कर दो ये ज़रूरी नहीं है कि भाई कोई करने वाला आएगा। अब मेरी श्रद्धा थी मैंने सफाई कर दी और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि भाई साफ़ सफाई अच्छी लगती है, जहाँ भी अपनी देवी देवता हूँ वहाँ पे साफ़ सफाई होनी ज़रूरी है। देखो मच्छर देखो कितने आ रहे, देखो ये सब मच्छर है झाड़ू के आगे आ रहे हैं जो भी, ये मच्छर लाइट जलती है ना रात के टाइम और जलनी भी ज़रूरी है भाई लाइट, और लाइट पर बहुत सारे मच्छर आते हैं इस कारण बहुत सारे मच्छर थे। फिर मैंने सफाई कर दी धीरे धीरे करके और मैं थोड़ी सी स्पीड को खींच रही हूँ क्योंकि बोर हो जाओगे आप, ज़्यादा ब्लॉक लंबा हो जाएगा इसलिए मैं स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर रही हूँ अभी। और फटाफट झाड़ू लगा दूँ फिर उसके बाद थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे ना जैसे मैंने थोड़ा पानी जो दादा को दिया था वहाँ से मट्टी मट्टी हो गई थी, फिर अनुजी लेने गए पानी और फिर वाइपर से पानी खींच देंगे मतलब पोचा की तरह लगा देंगे। और ये झाड़ू लगा दी है देखो ये रंग ये थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी हो गया ना, अनुजी को पानी लेके बाल्टी नहीं थी मैं देख के आई बाल्टी बाहर है वाइपर से नहीं हो रहा था साफ पानी से, और अभी पानी लेके आएंगे अनुजी फिर करेंगे यहाँ से।
ये पानी लेने गए हैं, दर्शन कर लो वैसे जी गए पानी लेने के लिए, क्योंकि पानी लगा अच्छे से। इधर देखो बिल्कुल इसके सामने बैठे हैं भाई, देखो देखना चाहिए ना, लेडीज भी आएंगी ज्योतबत्ती भी करेंगी, बिल्कुल पास में बैठे हैं, इनको ये भी अकल नहीं है कि कैसे बैठना है, तहाँ से भाई साइड में खेले जाते हैं ऐसे थोड़े, अगर हम यहाँ पे स्पाई करेंगे ना पानी उनके पास में ही जाएगा जो नीचे तहाँ से खेल रही हैं, लेकिन फिर हमने ज़्यादा पानी नहीं किया भाई, देखो आपको पता है लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या अपने भाई जमीन इतने बड़े हैं 50-60 साल के आदमी हैं, उनको ही इतनी अकल नहीं है कि कहाँ में कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं, फिर आप क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते किसी के बारे में भी, उनकी मर्जी भाई कहीं भी बैठे या नुझे कर रहे हैं सिपाही, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि भाई बिल्कुल सामने ही बैठे दादा के, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं साइड में होना चाहिए, क्योंकि भाई लेडीज आती है और वहाँ पे भी दोकने का है जहाँ पे ये बैठे हैं ना, यहाँ भी लेडीज दोकती हैं, यहाँ भी एक और मंदिर सा बना रखा है मतवल दादा का ही है, और ये देखो अनु जी ने पानी से ऐसे डाल के वाइपर से साफ़ कर दिया, जो मिट्टी थी वो साफ़ हो गई है, और अभी हमने अभी दर्शन करेंगे दादा के, क्योंकि चादर भी उड़ानी है दादा पे, और अभी हम ज्योतबत्ती लगा रहे हैं, इधर अलग की मैं बुला रही हूँ बेटा इधर आ जा इधर आ जा, और बच्चा भाई इसको नहीं पता कैसे क्या करना है, और देखो अभी बैठेगा मेरे पास, देखो कैसे बैठ रहा है, मैं बोल बेटा अच्छे से बैठो, और ये मैंने ज्योतबत्ती लगा दी थी, लगाने के बाद जो प्रसाद लेके आए थे चढ़ा दिया था, और फिर बच्चों को बांट देंगे भाई, जो बचेगा बच्चों को बांट देंगे, बच्चों का ही प्रसाद है, और अभी लक्की देख रहा है इधर उधर क्या कर रही है मम्मी, और ये अकेला था घर पे, आज छुट्टी कर ली थी स्कूल की, फिर मैंने सोचा चल बेटा तो बोर होगा घर पे, चल हमारे साथ में चल, और ये अनु जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, कभी इधर उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, अगरबत्ती लगाने वाले सर ये अगरबत्ती लगाएंगे, अभी पूछ रहे अगरबत्ती, अभी अगरबत्ती लगाएंगे, और ये देखो अभी मैं लगा रही हूँ जो, तो अनु जी लगाएंगे अगरबत्ती, और अभी जय करके फिर चलेंगे यहाँ से, और आज भाई देखो जब अपने देवी देवताएं जो अपनी मान्यता माननी है मांगी है वो पूरी हो जाती है, तो उनके दर्शन करने भी आना चाहिए ना, और भाई जो मेरी श्रद्धा थी जितना मेरे सिप्पू का मैंने लगा दिया है, और अभी बची है मेरे भाई हैं 2-3 उनकी मिठाई देनी, उनको भी मिठाई देनी है भाई, उनको भी आज कर देंगे उनकी पेमेंट, और अभी देखो अनु ने अगरबत्ती लगा दी है, और इस गमले में लगा देंगे अगरबत्ती को, और अभी आप भी मांग लो भाई जो भी आपकी इच्छा है, सारी इच्छाएं पूरी करते हैं ये, मतलब जो सैयद दादा हैं अपनी जो भी मुरादें आप भी पूरी कर सकते हो, ये मैं अक्सर लक्की की ज्योत जगा रही थी, मतलब बेटा हाथ जोड़ दे बेटा, और बच्चों को सिखाना पड़ता है, बच्चों को भी नहीं पता है बिल्कुल छोटा अभी, इतना नहीं नॉलेज है इसको, और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं, बस अभी दर्शन करने के बाद हम चल पड़ेंगे, और आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, ठीक है, और प्यारे प्यारे से कमेंट भी किया करो, अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो, अगर कोई गलती है वो भी बताया करो, ठीक है, और कैसा लगा हमारा दादा आप भी बताना कमेंट करके, ये चादर अभी उड़ाएंगे अनु जी और लक्की, क्योंकि मैंने थोड़ा साथ लगा दिया था, क्योंकि वही बोलते हैं कि मतलब चद्दर है, वैसे तो लेडीज भी उड़ा सकती है ऐसी बात नहीं है, मैंने देखा है कई जगह लेडीज भी उड़ा देती है, मैंने बोला बेटा आप पापा बेटे दोनों उड़ा दो, और अभी चद्दर उड़ाएंगे अनु जी, जोत तो लगा दी हमने पहले, और अभी चद्दर बची थी, चद्दर अभी ये अगरबत्ती लगा रहे इस गमले में, और अभी आ रहे हैं अनु जी, उसमें अच्छे से नहीं लग रहा, और ये पापा बेटे दोनों चद्दर उड़ा रहे हैं दादा को, अभी चादर उड़ाने के बाद अभी थोड़ा सा मैंने बोला कि थोड़ा सा पानी, मतलब वैसे नहाते तो पहले फिर पानी नहीं खिलाना, आपको पता भाई पैर रपट जाएगा किसी का, तो वैसे छिट्टा लगा दिया था भाई थोड़ा सा, और लक्की देखो डूंगे बहादुर के खड़े हो जाता है, मैं लक्की को बोल बेटा इधर आ जा दर्शन कर ले आप भी, और ये माथा टेकवा दिया मैंने बेटे का, और अभी चलेंगे घर, अभी मैं भी मांग रही जो मेरी इच्छा थी वो मैं भी बोल रही हूँ अपनी भैया, आप भी मांग सकते हो अपनी मुरादें पूरी होती तो कोई भी कुछ भी मांग सकता है, मेरी तो होगी वही पूरी जो मैंने मांगी थी, बस अब तो दादा से यही प्रार्थना है कि हमारा काम और अच्छे से चला दे, यूट्यूब का चैनल अच्छे से चला दे, और आप यूट्यूब फैमिली आप साथ दोगे तो हम आगे बहुत भी आगे जाएंगे, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप भी बहुत सारा साथ दो हमारा, और लाइव को मतलब लोगों को शेयर भी किया करो, एंड तक देखा करो और स्किप मत किया करो, ठीक है, अब हमने दर्शन कर लिए हैं, अब घर जाने की तैयारी है, बस अभी मैं सामान उठा रही थी जो हम लेके आए थे ज्योतबत्ती का है, टिफ़िन वगैरह थे इधर, और ये अनु जी भी मांग रही है अपनी मान जो कि मन में है, क्या पता क्या है भैया, देखो ये तो अनु जी जाने, अब मैं वीडियो कर रही हूँ एंड, हमने ज्योतबत्ती लगा दी है, और बाय बाय, टेक केयर, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।